नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं काल सर्प योग की शांति के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है नाग पंचमी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में यानी 5 अगस्त को, आगामी 5 तारीख को जो आपकी तिथि है पंचमी, वो नाग पंचमी है। और जो भी व्यक्ति काल सर्प योग से पीड़ित है यानी काल सर्प दोष जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में है उनके लिए यह मुहूर्त सर्वोत्तम होगा। इससे विशिष्ट मुहूर्त पूरे साल भर में आपको नहीं मिलता है, ये सर्वोत्तम मुहूर्त होगा। तो इस दिन आप निश्चित रूप से अपने काल सर्पयोग की शांति कराइए। काल सर्पयोग आप अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे ब्राह्मण से दिखाइए। यदि किसी ने बताया है कि आपकी जन्मपत्री में काल सर्पयोग है तो यह दिन बहुत ही सर्वोत्तम है, क्योंकि ये नागों का दिन है, सर्पों का दिन है। निश्चित रूप से आपको इस दिन काल सर्प योग की पूजा से शांति मिलेगी। अब काल सर्प योग होते भी 12 प्रकार के हैं, जिसको कहते हैं वासुकी, तक्षक, कुली का, कर्कोटक का, पद्म, महापद्म, शंख, दष्ट, महानागर, घ्रियमाणे। तो आपका जो भी जौन सभी इन 12 मैंने काल सर्प योग बोले हैं, इनमें से जो भी आपका काल सर्प योग है, वासुकी है, तक्षक है, कुलिक है, कर्कोटक है, उस काल सर्प योग का बाकायदे आपके पंडित जी द्वारा शांति हो जाएगी। या जिनके भी आप ज्योतिषियों के संपर्क में हैं उनसे आप समझेंगे, वो आपको बता देंगे। इसमें होता ये है वैसे विधान कि सबसे पहले आपको काल सर्प योग की शांति के लिए उस काल सर्प योग का, यानी जैसे मान लीजिए वासुकी है, तक्षक है, उस काल सर्प योग का संकल्पित आप जो है पहले जाप कराएं। इसमें जाप जो होता है वो सर्प, उसको काल सर्प मंत्र कहते हैं, वैदिक मंत्र है, जिसको मैं बोल के बताता हूँ। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी जे मनु अंतरिक्षे दिवितेभ्या नमोस्तु सर्पेभ्यो नमः। यह मंत्र है। यदि यह मंत्र नहीं आता है किन्हीं पंडित जी को तो फिर सर्प गायत्री है। नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी जाप करके काल सर्प योग की शांति होगी। और इसमें नाग नागिन के जोड़े होते हैं। वैसे विधान तो इस प्रकार का है कि 7 नग चांदी के होते हैं, 1 नग तांबे का होता है, फिर 1 नग स्वर्ण का होता है। ऐसे 9 प्रकार का, 9 जो है तो नग बना करके फिर पूजन होता है, उसमें सभी काल सर्प योग की शांति हो जाती है। खैर ये प्रकरण आप जिन पंडित जी से समझेंगे वो आपको समझा देंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा काल सर्प योग है। जन्म कुंडली में ये बनता कैसे, वो मैं बता दूं कि राहु और केतु के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, उसी को काल सर्प योग कहते हैं। राहु और केतु की एक तरफ, राइट तरफ या लेफ्ट की तरफ, तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग जिस स्थान पर बनता है उस स्थान से संबंधित आपको हानि देता है। काल सर्प योग के विषय में हल्का सा शब्दों में कहूँ तो जैसे मकड़ी जाल अपना बुन देती है, तो मकड़ी के जाल में किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा जो मक्खी टाइप का या किसी प्रकार का मच्छर टाइप का जीव जंतु होता है उसके जाल से निकल नहीं पाता, उसी प्रकार काल सर्प योग आपके भाग्य को पूरी तरह से रोक देता है, आपके भाग्य को विकसित नहीं होने देता। कहने का तात्पर्य कि जिस ग्रह की भी दशा, महादशा, अंतरदशा आती, वो ग्रह अपना पूरी तरह से विकास नहीं दिखा पाता, क्योंकि यह राहु और केतु के अंदर पूरी तरह से बंध जाते हैं। तो ये नाग पंचमी का दिन जो आपका है अगस्त के महीने में यानी 5 तारीख को, और ये सदैव शुक्ल पक्ष पंचमी को श्रावण मास के नाग पंचमी पड़ती है। एक इसका ये विधान है। दूसरा विधान जो देहात स्तर में लोग रहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, शहर स्तर में तो संभव नहीं है, बहुत स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो का समय 7-8 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा का होता नहीं है, संक्षिप्त है और बहुत स्पीड से बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। कि देहात स्तर में आप सपेरे से संपर्क करें और सपेरे को पहले से ही कुछ पैसे वैसे दे करके उसको बोल दें कि हमें नागिन चाहिए, तो सपेरा पहले से अपने पास जो है उनको उपलब्ध कर लेगा और उपलब्ध करके आपके यहाँ लाएगा। नाग पंचमी के दिन बाकायदे जैसा भी सपेरे को आप दूध दूध दे दीजिए और वो दूध दूध पिला के उनका संक्षिप्त जैसे पूजन आप भगवान का करते हो, सर्प का करते हो, वैसे उनका पूजन दूर से ही कर लीजिए। और करने के बाद सपेरे को साथ में लीजिए और साथ में ले जाने के बाद सपेरे को यानी साथ में लेकर के किसी जंगल के आसपास पहुँचें आप और वहाँ सपेरे से कहें कि भाई इन सांपों को हमारे सामने आप छोड़ दो।
सपेरा उन सांपों को छोड़ देगा और आप कुछ देर तक वहीं पे रुकिए और उसके बाद सपेरे को साथ में ले आइए ताकि वो बीन बजा के दोबारा सपेरों को फिर से ना पकड़ ले। तो सांप जो है दोबारा बीन बजा के फिर से ना सांपों को पकड़ ले, सपेरे को आप अपने साथ लेते आइए और उसको जो आपने कहा हो यथा योग उसको जो है पैसा दें, वस्त्र आदि दें, उसको खाना आदि खिलाएं, उसकी भी आत्मा को संतृप्त करें, संतुष्ट करें। जो आपने नाग नागिन छोड़े हैं तो कहते हैं काल सर्प योग से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो मेन मुक्ति आपको इस तरह से मिलती है। हालांकि जो पूजा पाठ जाप से कराएंगे उससे तो लाभ होगा ही, लेकिन इससे भी बहुत विशिष्ट लाभ होगा। तो इस प्रकार से भी आप काल सर्प योग की शांति कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह श्रावण के पावन पवित्र महीने में जो नागपंचमी आती है, यथार्थ में यही वो नागपंचमी होती है जिसमें नागों की पूजा करके अपने आप को पूर्णतः आप काल सर्प दोष से निवृत्ति पा सकते हैं। तो आज मैंने आपको नागपंचमी के विषय में बताया, बस आज इतना ही। नमस्कार।